विदिशा के गंज बसौदा में विकास की खुली पोल। अजब मध्य प्रदेश के गजब विकास में गायब हुआ शहर के गांव के पास का विकास। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार। विदिशा जिले के गंज बसौदा विधानसभा में जहां एक ओर विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री गंज बसौदा आए थे और विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हुए जनता को संबोधित किया था, लेकिन विकास की वादों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। विकास के वादों की पोल खुलती एक तस्वीर शहर के नज़दीक ही चंद कदमों की दूरी पर बसे ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी नई बस्ती में देखने को मिली। हरदूखेड़ी की बस्ती नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों की टीम जब पहुंची तो वहां पर देखा हालात बद से बदतर हैं और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ना तो सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है। जनता हैरान और परेशान है, यहाँ तक कि सरपंच भी जनता के साथ हैं, लेकिन सरपंच के भी ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। यह कौन सा लोकतंत्र है जिसमें जनता को मूलभूत सुविधाएं ही नसीब नहीं हो पा रही, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल यह है कि क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुई है? जहां भाजपा कहते हैं कि हमने विकास किया है, तो यह हरदूखेड़ी ग्राम जहाँ का विकास आप स्वयं देख सकते हैं आखिर किस भारत में आता है? विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। बड़ी है और अभी हमने जो जगह हमने टंकी कैसे दिलाई है मालूम नहीं। ये पूरा कब्जा था, सरकारी जमीन 4 बीघा थी, हमने ऊपर लड़के आवेदन देकर और ये पूरा मुक्त कराया। 2.5 बीघा इसमें हम ये क्या नाम से हमारी काली पठार वासियों को ये क्या नाम से मंगल भवन भी बनवाना चाहते हैं, आंगनबाड़ी तुम्हारी बनी रही है, एक प्राथमिक स्कूल भी लाना चाहते हैं। क्यों, हम तो ये चाहते हैं कि ये नई दिल्ली, नाम नई दिल्ली है, पूरा नई दिल्ली जैसा यहाँ बस्ती भी तो देखे। और पूरे में लाइटिंग के लिए हमने प्रोजेक्ट 100 लाइटों के लिए भेजा है 7.5 लाख रुपए का। कितनी आबादी होगी लगभग यहाँ की? आबादी चूंकि लगभग बता रहा हूँ 2 से 2.5 हजार लोग रहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं उनके परिचय पत्र गांव के यहाँ रहते हैं, उनसे ही मैंने अपील की है कि सब अपने परिचय पत्र बनवा लें यहाँ के। बहुत जल्द हम है ना चुनाव के पहले सभी लोगों के साथ लेके सबको हम घर घर एक एक पट्टा दिलवाएंगे 25x40। हमारी अब तक की रिपोर्टिंग के अलग अलग एपिसोड में सारी वीडियो डिटेल में आपको द खबरदार ओरिजिनल्स में मिल जाएगी। हर एपिसोड अलग पोस्ट किए गए हैं जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर देख सकते हैं। हमने इस पूरी यात्रा की वीडियो को एक नए प्लेलिस्ट में भी रखा है ताकि आप लोगों को पूरी यात्रा की वीडियो एक साथ मिल सके। तो फिर जुड़े रहें द खबरदार न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको पूरी यात्रा में इतनी नई और रोचक चीजें दिखाएंगे जो आपने अब तक कहीं ना देखी होगी और ना सुनी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जबलपुर से इंदौर तक के इस सफर की वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और द खबरदार न्यूज TKN ओरिजिनल्स जो हमारा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस यात्रा की सारी वीडियोज एक साथ देखने को मिले। धन्यवाद।